शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले स्कूल में छात्र छात्राओं के सामने एक शिक्षक से गाली गलौज करने का मामला सामने आया है। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहा यह वीडियो थाना हरगांव क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय पकरिया कंपोजिट का होना बताया जा रहा है। इस बीच शिक्षिका बीच भराव के लिए दौड़ी, फिर भी ग्रामीण शांत नहीं हुआ और गालियों की बौछार करता रहा। प्रकरण को लेकर सहायक शिक्षक अनिल कुमार सिंह ने थाना हरगांव में गांव के रामबाबू यादव को नामजद करते हुए तहरीर दी है। वायरल हो रहे इस वीडियो की आई इंडिया पुष्टि नहीं करता है। पूरा मामला क्या है इसे जानने से पहले आइए वह वीडियो देख लेते हैं, जिसमें एक ग्रामीण द्वारा छात्र छात्राओं के बीच सहायक शिक्षक अनिल कुमार सिंह पर गालियों की बौछार की जा रही है। और तुम मतलब मुंह नहीं बोल, ये पहले बताओ किससे नहीं बोले, बताओ तो हमसे क्या था ना मारी कहा भी कभी कहा भी गाली का दी। अरे अरे तुम्हारी अब गाली का दी, बताओ तो कहा गाली ना तुमसे कहा बोले बताओ, कौन सी चीज फायदा है गाली मत दो, गाली का दे रहा हूं भाई फालतू का। चल 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 चलो गाली ना दो, वीडियो ना मारी अब है बताया दी था करता मरियो। अरे छो नहीं तुम्हें दिक्कत कहाँ बताओ, दिक्कत कहाँ है भाई, कहाँ दिक्कत कहाँ है? अरे छोड़ो बिरादर क्या करना बताओ तो। अरे मारेंगे ठीक है तो तुम कहाँ दिक्कत बताओ तो। अरे तुमका बिरादरी से क्या लेना देना यार, हम पढ़ाने आए बिरादरी करने आए। उच्च प्राथमिक विद्यालय पकरिया में तैनात सहायक शिक्षक अनिल कुमार सिंह के मुताबिक वह बुधवार की सुबह करीब 9 बजे सर्व शिक्षा अभियान की रैली छात्र छात्राओं और स्टाफ के साथ निकाल रहे थे। इस बीच पकरिया गांव के रहने वाले ग्राम बाबू यादव ने उन्हें रोक लिया। आरोप है कि राम बाबू यादव ने उनको गालियां देते हुए मारा पीटा। मामले को लेकर अनिल कुमार सिंह ने स्थानीय थाने में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है।